आज़ादी की सुबुगाहट के बीच ये साल 1947 के शुरुआती दिन थे। पूरा देश सांप्रदायिक दंगों में उलझ चुका था और इसे सुलझाने का दबाव ब्रिटिश इंडिया के हुक्मरानों पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में तब के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान पेश किया जिसे 3 जून प्लान के नाम से जाना गया। आज भारत और पाकिस्तान का जो मौजूदा मानचित्र है वह इसी प्लान की देन है। हम आपको बताते हैं क्या था उस 3 जून के प्लान में। ये था 3 जून प्लान। ब्रिटिश भारत का विभाजन कर 2 अलग-अलग देश बनाए जाएंगे। दोनों देशों का संविधान अलग होगा और संविधान सभा भी अलग अलग होगी। सभी 565 रियासतों को अपनी मर्जी से फैसले लेने का अधिकार होगा। पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य जिलों को मिलाकर नए राज्य बनाए जाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली अपना फैसला खुद करेगी। असम के सिलहट में जनमत सर्वे कराया जाएगा। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए दोनों देशों का मानचित्र तैयार करना सबसे ज़रूरी था और इसके लिए लंदन से मशहूर बैरिस्टर सर रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया। दिलचस्प ये है कि रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे और उनके पास समय भी बेहद कम था। बहरहाल मानचित्र तैयार करने से पहले उन्होंने पूर्वी भारत का एक छोटा सा हवाई सर्वे किया और फिर कागज़ों पर लकीर खींच दी। कहा जाता है कि रेडक्लिफ के नक्शे में पंजाब के 3 इलाकों करतारपुर, फिरोजपुर और गुरदासपुर को पाकिस्तान के हिस्से में रखा गया था, लेकिन खुद माउंटबेटन ने फिरोजपुर और गुरदासपुर को वापस भारत के नक्शे में शामिल किया। रेडक्लिफ ने एक और गलती की जिसे सुधारा नहीं जा सका। ये गलती थी हिंदू बाहुल्य चटगांव के इलाके को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कराना। आज यह इलाका बांग्लादेश में है। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने जब लंदन में रेडक्लिफ से मुलाकात की तो उन्होंने अपनी बातचीत में स्वीकार किया कि उन्हें कई इलाकों के सही बंटवारा नहीं होने का मलाल है। खुद रेडक्लिफ ने बताया कि वे तो लाहौर इंडिया को देना चाहते थे क्योंकि वहाँ हिंदुओं की ज़मीनें ज़्यादा थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान के हिस्से कोई बड़ा शहर नहीं आ रहा था। खैर, माउंटबेटन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 की रात पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई, जबकि उसके अगले दिन यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को रेडक्लिफ द्वारा तैयार भारत और पाकिस्तान का मानचित्र जारी कर दिया गया। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने आज ही के दिन रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। 1924 में तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1985 में आज ही के दिन भारत सरकार ने 5 दिन का वर्किंग डे वीक शुरू किया था। 2014 में पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का सड़क हादसे में निधन हो गया था।